हेलो एवरीवन, दिस इज मानसी। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हो, प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब दी चैनल। सो नाउ वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 14 ऑफ एक्सरसाइज 2.5। विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। सो यहाँ पे आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, लेकिन ऐसा नहीं करना कि 12 का क्यूब निकाल लो, 7 का क्यूब और 5 का क्यूब निकाल के उसको प्लस कर दो। विदाउट एक्चुअल कैलकुलेटिंग द क्यूब्स, क्यूब्स कैलकुलेट नहीं करने। तो मतलब अगेन किसी आइडेंटिटी से हमें यहाँ पे करना पड़ेगा। तो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? ए क्यूब, बी क्यूब और सी क्यूब वाली, है ना? मतलब एक्स क्यूब, वाई क्यूब, जेड क्यूब वाली। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखो, अभी लास्ट क्वेश्चन में हम ये करके आए हैं कि अगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड जीरो के इक्वल होता है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो चेक करते हैं, यहाँ पे एक्स क्या है? माइनस 12 और प्लस 5 प्लस सॉरी प्लस 7 प्लस 5। सो माइनस 12, 7 प्लस 5, 12। तो ये मेरा यहाँ पे इक्वल है जीरो के। सो यहाँ पे हम लिखेंगे पहले सिंस माइनस 12 प्लस 7 प्लस 5 इज इक्वल्स टू जीरो, देयरफॉर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब विल बी इक्वल टू 3xyz। ठीक है? सो हम यहाँ पे सिंपली देखो, इतना सिंपल मिल गया, ये पूरा हमें क्वेश्चन में गिवन ही है। तो बस 3xy कर दो, 3x क्या है? माइनस 12, y क्या है? 7 और z क्या है? 5। ओके, सो अब इसको अगर हमें मल्टीप्लाई करना है, सो 3 इंटू 12 कर देंगे तो ये हो जाएगा 12 3 जा 36, देन हमारे पास माइनस का है ये 7 5 जा 35। सो ये मल्टीप्लाई होना है माइनस 36 और 35। सो अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 36 और 35 को मल्टीप्लाई किया, 6 5 सा 30, देन 5 इंटू 3 15, 16 17 18। सो ये हो गया 18, देन 6 3 सा 18, अगेन 3 3 सा 9 प्लस 1 10। सो ये आ गया 0 8 8 16 2 1। सो ये हमारे पास आ गया माइनस 1 2 6 0। सो दिस इज द आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड पार्ट। सो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 28 क्यूब प्लस माइनस 15 का क्यूब प्लस माइनस 13 का क्यूब। इसमें भी चेक कर लेते हैं, अगर x प्लस वाई प्लस जेड जीरो के इक्वल है तो सिंपल हो जाएगा। सो 28 प्लस माइनस 15 है प्लस माइनस 13 है। सो ये हो गया 28 माइनस माइनस प्लस, इसको ऐड कर दो 5 6 7 8 और 2। सो ये अगेन जीरो के इक्वल है। सो अगेन हमें लिखना पड़ेगा सिंस 28 प्लस माइनस 15 प्लस माइनस 13 इक्वल्स टू जीरो, सो देयरफॉर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब मेरा इक्वल होगा 3xyz के। सो देयरफॉर ये हो जाएगा 3x क्या है? 28, y क्या है? माइनस 15 एंड z क्या है? 13। सो अब इसको करना है मल्टीप्लाई, 28 को एज इट इज लिख देते हैं तो ये माइनस 13 है, सॉरी, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। 15 इंटू 3 कर लेते हैं, 15 इंटू 3 होता है 45 इंटू 13। अब यहाँ पे हमें इसे मल्टीप्लाई करना है, तीन बार करना पड़ेगा। सो पहले तो 28 को मल्टीप्लाई करना है 45 से, किसी भी ऑर्डर में कर सकते हो आप। 5 इंटू 8 इज 40, सो दिस इज 5 इंटू 2 10 प्लस 4 14 हो गया। देन 4 इंटू 8 इज 32, सो ये 3 आ 2 आ गया, 3 ऊपर कैरी, 4 2 जा 8 9 10 11, सो ये आ गया 11। ठीक है, अब इसको ऐड कर देते हैं 0 4 5 6 देन 1 2 एंड 1। सो ये हमारे पास आ गया 1 2 6 0 इंटू 13 बचा, तो इसको 13 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 इंटू 0 इज 0, 3 इंटू 6 इज 6 3 जा 18, then 3 into 2, 6 plus 1, 7, then 3 1s are 3. अब 1 से करना है simple 0, 6, 2, 1. So, हमारे पास आया 0, यह आ गया 8, this is 6 plus 6, 12 plus 1, 13 हो गया ये, 3, 4, 5, 6 and 1. So, therefore, answer आ गया 16, 3, 8, 0. Okay, so this is the answer. So, ये हमारे इस question के दो ही parts थे, तो this was
क्वेश्चन नंबर 14 ऑफ एक्सरसाइज 2.5। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बट इन दी नेक्स्ट वीडियो। सो आई विल सी यू ऑल अगेन इन दी नेक्स्ट वीडियो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाय बाय फॉर नाउ।